आप सभी लोग का टारगेट क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे जो नाइन्थ और टेंथ के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में यानी कि हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जानना बहुत ही आवश्यक होता है। हो सकता है रास्ते में कोई पूछ देगा कि क्या पढ़ क्या रहे, तो आप लोग खुद खुश होकर कहिएगा केमिस्ट्री। अब पूछ देगा केमिस्ट्री का थोड़ा परिभाषा बताओ तो क्या होगा, इसलिए वैदिक के सिवा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, संरचना, संरचना मतलब उसकी बनावट, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मान लीजिए ये कोई धातु है और ये दूसरा धातु है और इसको मिला देंगे, अभिक्रिया करा देंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तन। परिवर्तन होगा ही होगा, रासायनिक अभिक्रिया जब कराएंगे। अच्छा मान लीजिए 1 किलो चीनी ले लेते हैं काची और 2 लीटर दूध ले लेते हैं, अभी अलग अलग है ना, जैसे इसको उसमें घुला देंगे, मिला देंगे तो इसका रंग नहीं बदलेगा लेकिन उसका स्वाद बदल जाएगा। तो इसे अभिक्रिया क्या बोला जाएगा, अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, परिवर्तन। तो परिवर्तनों का क्या किया जाता है, अध्ययन। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है रस प्लस आयन। रस का मतलब होता है द्रव, आयन का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि लिक्विडों का अध्ययन किया जाता है। पूरा केमिस्ट्री में लिक्विड ही लिक्विड आपको मिलेगा, यानी कि द्रव अवस्था में धातु अधातु को बनाकर क्या किया जाता है, उसका परिवर्तन किया जाता है और उसे ही कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रसायन शास्त्र क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का क्या किया जाता है, संगठन, संरचना और गुण, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ठेठ भाषा में हम लोग कहेंगे कि कोई भी पदार्थ का अभिक्रिया करा के उसमें बदलाव कर दिया जाता है। काजी कोई भी एक या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराकर बदलाव कर दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, अब आती है बात कि सर किसका परिवर्तन करेंगे, तो पदार्थों का परिवर्तन करेंगे। क्या चीज, पदार्थों का परिवर्तन करेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा हमें जाननी चाहिए सबसे पहले। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है जी, पदार्थ विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग 3 अवस्था ढूंढ लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था है, और इसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर लेते हैं। का चीज, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इसको महसूस कर लेते हैं, इसे ही पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे हवा, हवा को हम लोग क्या देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो हवा क्या हुआ, पदार्थ। जल ले लो, जल को हम लोग देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। महसूस करना तो ठंडे के मौसम में भीग 2 गिलास पानी, महसूस को बच्चा से आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो समझना है पदार्थ क्या है। पदार्थ जो है परमाणुओं से बना होता है और इसे अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे ही पदार्थ कहते हैं। और एक कौन प्रकार के होते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। चलिए, तो पदार्थ को अगर भागों में बांटा गया है तब आप कहिएगा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में दो, मतलब शुद्ध पदार्थ के कितने भागों में विभाजित किया गया, हाँ इसका कुल खानदान पढ़ लेना है, तत्व और एक का नाम है यौगिक। तत्व कितने भागों में बांटा हुआ है, एक का नाम है धातु अधातु, एक छूट गया है उपधातु का चीज, हाँ जी 3 को उपधातु। तत्व को कितने हिस्सों में तोड़ा गया, धातु अधातु उपधातु
इधर यौगिक को सहसंयोगी और आयनिक, यौगिक को कब भागों में, दो भागों में। अब आइए अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ के एक पुत्र था, उसका नाम था मान लो मिश्रण, क्या था मिश्रण, और इसके भी दो को हिस्सा हुआ, समांगी मिश्रण और विस्मांगी। बस थोड़ा सा बता देते हैं, ये पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, ये तो बेसिक क्लास है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जो देखने में परिवर्तन के बाद भी वैसा ही दिखाई देगा जी, जैसे चीनी और पानी का रस, चीनी डाल दो पानी में तो पहले जैसा पानी था अभी वैसा ही दिखेगा, तो ऐसे चीजों को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और विस्मांगी मिश्रण किसे कहेंगे, पहले की अपेक्षा परिवर्तन हो जाएगा। अब मिश्रण समझते हो ना, अशुद्ध पदार्थ कोनो चीज दो को मिला दो, जैसे दाल चावल मिला दो, बालू चीनी मिला दो, इसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, इसे ही मिश्रण हम लोग कहते हैं। कि दो को कोई भी पदार्थ को मिला दो उसे मिश्रण कहा जाता है, जो क्या रहता है, अशुद्ध रहता है। अब तुम लोग से सवाल पूछते हैं, तत्व शुद्ध है कि अशुद्ध है, यौगिक शुद्ध है कि अशुद्ध है, मिश्रण अशुद्ध है कि शुद्ध है, अशुद्ध है, समांगी क्या है, अशुद्ध मिश्रण, विस्मांगी अशुद्ध। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा देखिएगा, अब लोग केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान, तो भाई इसका जनक कौन था ये भी जानना जरूरी है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो एंटोनियो लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इन्हीं को कहा जाता है रसायन विज्ञान के जनक या पिता, ठीक है। तत्व किसे कहते हैं, यही आया मेन सवाल। तत्व तो हम लोग जान गए कि पदार्थ का एक रूप है, कौन रूप, शुद्धतम रूप, पदार्थ का शुद्धतम रूप कौन है, तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व का सीधा परिभाषा देना है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, क्या है, तत्व एक है कि नहीं, अभी तो बताए हम शुद्ध पदार्थ है, तो एक लाइन ऐसे याद हो गया। जो कि का से मिलकर बना है तो परमाणु, कैसा परमाणु, तो एक परमाणु। तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है जो एक ही परमाणु के बने होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, तत्व। आप लोग से कोई पूछ देगा तत्व कब परमाणु से बना है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, वो शुद्ध होता है, उसे ही तत्व कहते हैं, ठीक है। अब बात रहेगी कि परमाणु से मिलकर जब बना होगा एक ही परमाणु से, तो अब परमाणु क्या चीज है सर, परमाणु क्या चीज है, तो परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जिसके नाभिक में जिसके नाभिक में दो लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन वास्तव में परमाणु किससे बना होता है, मुख्यतः तीन गो चीज से बना होता है, कौन कौन सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का से मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको ई से चालू है तो ई से सिंपल, मतलब ई से सजाते हैं, प्रोटॉन पी से सजाते हैं, न्यूट्रॉन एन से सजाते हैं, और इसको माइनस ऋण आवेश होता है, क्या चीज, अब प्रोटॉन क्या में होता है, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव, प्लस में, और न्यूट्रॉन रहता है इसमें कोई चीज नहीं रहता है, ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो आप लोग से पूछ सकते हैं तत्व किससे बना होता है, एक ही परमाणु से, परमाणु में, परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, वेरी गुड। चलिए ई से किसको सूचित करेंगे, अब पी से, एन से, बहुत सुंदर। अब मजे की बात क्या है, तत्व की परमाणु संख्या, तत्व के परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ये आप लोग याद रखिएगा, तत्व के परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या और, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन टू है तो
तो ये भी क्या रहेगा? अगर इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या 20 है तो ये समझना की बात ठीक है।